वहीं मंगलवार को अलीगढ़ में नागरिकता कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। जीवनगढ़ में भारी तादाद में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान रोड को भी जाम कर दिया गया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। धरना प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस फोर्स भी तैनात रही। हमने ये धरना सीए एनपीआर और एनआरसी के विरोध में रखा है कि जो ये कानून है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे देश को, जिसका अभी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर उसको लागू करने की बात की जा रही है। हम उसके विरोध में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। पहला तो ये एनआरसी का है और सीए एनपीआर का है, और दूसरा ये है जो परसों गोली लगी है विनय वास्तव ने लगाई है, जो गोली मारी थी उन्हें, तो बस हम इतना चाहते हैं जल्द से जल्द विनय वास्तव के लिए वारंट निकाला जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई दिए जाए। मैं यही चाहती हूँ, ये अब तक परसों से लेकर अब तक वो खुला घूम रहा है वो खूनी, मैं ये चाहती हूँ कि उसे जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई, रिमांड में लिया जाए उसे।